हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विश्व की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं के बारे में, जिसे इंटरनेशनल बाउंड्रीज लाइन कहा जाता है। आखिर ये बाउंड्रीज लाइन होती क्या है, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। प्रत्येक जो देश होता है वो अपने देश की सीमा की रक्षा करने के लिए एक निश्चित सीमा का निर्धारण करता है। इसी सीमा को पार करना किसी देश की सीमा में घुसपैठ माना जाता है। इन सीमाओं के निर्धारण का एक फायदा यह भी होता है कि देशों को यह बात पता होती है कि उन्हें कहां तक अपने राज्य की सीमा का विस्तार करना है। आज के इस वीडियो में हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे ड्यूरंड लाइन के बारे में। जो ड्यूरंड लाइन है वह अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर 2640 किलोमीटर लंबी एक रेखा है, जिसे ड्यूरंड लाइन कहा जाता है। यह जो लाइन है सन 1893 में ब्रिटिश इंडिया और अफगान प्रतिनिधियों के बीच एक सहमति का नतीजा है। इस रेखा का जो नाम है वो ब्रिटिश इंडिया के जो तत्कालीन विदेश मंत्री है सर मार्टिमर ड्यूरंड के नाम पर रखा गया था। अगर हम बात करें सेकेंड लाइन की, तो सेकेंड इम्पॉर्टेंट लाइन है मैकमोहन लाइन। अब यह मैकमोहन लाइन जो है वो 890 किलोमीटर लंबी है और 1914 में सर मैकमोहन ने भारत चीन सीमा के विवाद को सुलझाने के लिए इसे तैयार किया था। थर्ड हम बात करें रेडक्लिफ लाइन की, तो यह सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है कि अगर ये बात करें तो यह हमारे पाकिस्तान और भारत के मध्य सीमाओं का एक निर्धारण करती है। यह सीमा 3310 किलोमीटर लंबी है। 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ ने इस सीमा का निर्धारण किया था। अब हिंडनबर्ग जो लाइन है, यह जो लाइन है वह जर्मनी और पोलैंड के मध्य स्थित है। प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी की सेना इसी रेखा से लौटी थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट लाइन के बारे में, तो वह मैनहरिन लाइन है। यह मैनहरिन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच की रेखा है। अगर हम नेक्स्ट लाइन की बात करें मैगिनॉट रेखा के बारे में, तो मैगिनॉट रेखा फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मनी और फ्रांस के बीच की एक सीमा रेखा है। यह रेखा कॉन्क्रीट, लोहा इत्यादि से मिलकर बनी हुई है। अगर इसके निर्माण की बात करी जाए, तो इसका निर्माण 1929 से 1938 के बीच किया गया था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, या इस वीडियो से आपको कोई इंपॉर्टेंट जानकारी मिली हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।